कहूँ के गणों के गान में कौन महान निर्मित है। समय सार परमागम की 268-269वीं गाथा चलेगी, पेज नंबर 386। सबे करे दीजियो जब प्रकरण चल रहा है कि भगवान आत्मा पर पदार्थों में अपनापन करता है। यदि हम वहाँ जीवा जीवाधिकार से बराबर यहाँ तक ध्यान देंगे तो एक ही बात पर उनका सबसे ज़्यादा वजन दिखता है कि यह आत्मा जो पर पदार्थों में अपनापन करता है और अपनापन के चार तरह से करता है, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोक्ता हूँ, ये मैं हूँ, मैं इनका स्वामी हूँ, मेरे हैं कहो चाहे स्वामी हूँ कहो, एक ही बात है। इस प्रकार से जो पर पदार्थों में अपनापन करता है, अब उसी बात को इन दो गाथाओं में, पहली गाथा में त्रिंच नरक मनुष्य और देव इन चार गतियों में अपनापन करता है। चार गतियां माने कि जो आसमान जाति चार द्रव्य पर्याय हैं ना, मुख्य रूप से तो यही है ना। हाँ, मैं मान दो मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं त्रिंच हूँ, तो ये करता है। और फिर उन्हें गेय पदार्थों में लिया कि मैं धर्म धर्म हूँ, अधर्म हूँ, आकाश हूँ, काल हूँ, इस तरह लोक हूँ, अलोक हूँ, इन सब पदार्थों में अपाणम अध्यवसानम, यह आत्मा अपनेपन का अध्यवसान करता है। इन सब के आरंभ में टीका में एक पद दिया है जो हरेक में लगा लेना, जो है ना, जिस प्रकार यह आत्मा क्रिया जिसका गर्व है, ऐसे हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक करता है तथा अन्य अध्यवसानों से अपने को अन्य रूप करता है। उसी प्रकार उदय में आते हुए नारक के अध्यवसान से अपने को नारक करता है, उदय में आते हुए त्रिंच के अध्यवसान से अपने को त्रिंच करता है, उदय में आते हुए मनुष्य के अध्यवसान से अपने को मनुष्य करता है, उदय में आते हुए देव के अध्यवसान से अपने को देव करता है। एक सी भाषा है ना। उदय में आते हुए सुख आदि पुण्य के अध्यवसान से अपने को पुण्य रूप करता है, और उदय में आते हुए दुख आदि पाप के अध्यवसान से अपने को पाप रूप करता है। अभी दूसरे पैरे में वो धर्मास्तिकाय वगैरह की इसी तरह की बात है। देखो, इन सब के शुरू में क्या है, यह आत्मा क्रिया जिसका गर्व है, ऐसा हरेक में लगाना, क्रिया जिसका गर्व है, ऐसे उसी प्रकार उदय में आते हुए नारक के अध्यवसान से अपने को नारक करता है, क्रिया जिसका गर्व है, उदय में आते हुए त्रिंच के अध्यवसान से अपने को त्रिंच करता है, ऐसा क्रिया जिसका गर्व है। माने क्रिया जिसका गर्व है माने क्या, कि इन अध्यवसानों से
उस तरह के कार्य करना चाहता है। जैसे कोई आदमी ये समझता है कि मैं स्त्री हूँ, मैंने महिला हूँ, तो उसे इसी प्रकार के अध्यवसान होते हैं कि मुझे सुबह उठते ही बच्चों को नहाना है, धुलाना है, चाय बनाना है, नाश्ता बनाना है, माने उसी टाइप के विकल्पों से वो परिणमित होती है, माने वो क्रिया जिसका गर्व है, माने ये करना है, ये करना है, ये करना है, समझे ना। जो अपने को पुरुष है और उसे ऑफिस में काम करता है तो उसे उठते ही ये विकल्प होते हैं कि मुझे ऑफिस में जाना है, आज ये काम निपटाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। बड़ई है तो बड़ई की, वो लोहार है तो लोहार के, मतलब क्रिया जिसका गर्भ है का अर्थ समझ में है ना। तो विकल्प क्या, मैंने जिस टाइप का उसने अपने को मान रखा है, अब एक एक पर्याय के साथ कुछ उसके कार्य सुनिश्चित से हैं, वो तत्संबंधी विकल्पों में ही निरंतर उलझा रहता है। अब वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अपने मनुष्य संबंधी विकल्पों में मनुष्य मानता है, कि त्रंच वाले विकल्पों को त्रंच मानता है, कि स्त्री वाले को स्त्री और पुरुष वाले को पुरुष। कहने का मतलब ये है कि वो इनके विकल्पों में ही निरंतर जो महापाप करता रहता है, कौन सी ऐसी विद्या एकत्व ममत्व बुद्धि पूर्वक मुझे ये करना है अथवा मैं ये हूँ, बस अनंत दुख के कारण यदि कोई है, अनंत बंध का कारण संसार, बंध माने संसार, संसार में रुलाना कारण है, तो बस ये परिणाम है। और इन परिणामों में यदि किसी के हैं, वो कहते हैं मैं मुनि हूँ तो मुझे ये करना, मेरा उपदेश देना मेरा काम है, एक पुस्तक के शास्त्र लिखना मेरा काम है, वो उसके विकल्पों में उलझा रहता है। अब वो कहते हैं कि विकल्पों का जाल अनादिकाल से ऐसा है कि अभ्यास के एक दफे सम्यक दर्शन हो जाने पर, सम्यक दर्शन माने ये समझ में आ जाने पर बुद्धि पूर्वक, पूरा अनुभूति पूर्वक कि ये मैं नहीं हूँ और इनका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, तो भी बहुत काल तक वैसे विकल्प आते रहेंगे। और उसका उदाहरण दिया है कुमार के चक्र के समान, जैसे कुमार के कुमार घुमाता है ना उसको, ऐसा सा तो शुरू शुरू में उसे चक्के को घसीटना पड़ता है, और जब चक्का अपनी रफ्तार पकड़ता है तो वो हाथ को चक्का खरीद घसीटने लगता है, पर वो छोड़ देता है, और छोड़कर जब अब कोई चला तो नहीं रहा ना उसे, लेकिन पूर्व के अभ्यास के कारण वो चलता ही रहता है बहुत देर तक, और उस पर इतनी देर तक चलता रहता है कि उसके ऊपर वो मिट्टी के पिंड से उसे घड़ा बना लेता है, वो दोनों हाथ उसमें लगा देता है ना, अब घुमा तो नहीं रहा है। तो ऐसे ही ये विकल्प चक्र इतनी तेजी से घूम रहा है कि वो सम्य दर्शन हो गया, यानी ये पता चल गया कि मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, ये पूरी तरह निरर्थक हैं, तो भी वो विकल्प चक्कर चलता रहता है, लेकिन उसमें वो दम नहीं होती जो वो पहले कुमार के हाथ लगा हुआ था, तब धीरे धीरे वो गारंटी से मंदा पड़ता है, बहुत तेजी से वो रुकने की तरफ दौड़ता है, मतलब रुकने की तरफ दौड़ता है, मैंने उसका जोर कम पड़ता जाता है, ऐसे ही मिथ्यात्व के अभाव में वो विकल्प चक्र का जोर कम पड़ता जाता है। आचार्य जयसेन तो मतलब इतने नाराज होकर बात करते हैं, मैं इसमें से निकाल के आपको बताना चाहता हूँ, कितना पेज है इसमें, देखो पेज नंबर 30 पे निकालो, दूसरा पैरा, अतः हे दुरात्मन तेरे यह विकल्प
कुछ कार्यकारी तो है नहीं, फिर तू व्यर्थ ही विकल्प करके पुण्य पाप क्यों बांधता है। हे दुरात्मन शब्द करके प्रयोग करते हैं, इतना कह दिया, इतना समझा रहे हैं और फिर भी तू व्यर्थ ऐसे विकल्प करके पुण्य पाप कर्म का बंधन करता है। बंधाधिकार है ना, हम बंधन किन कारणों से होता है वो बता रहे हैं, तो और क्या बताएं। हम तो ये जानते हैं कि हमारा जब भी ध्यान जाता है तो हमारा ध्यान तो क्रिया के ऊपर जाता है कि हम क्या क्रिया करते हैं जिससे हम पुण्य पाप बांधते हैं। हम अच्छी क्रिया करेंगे तो पुण्य बांधेंगे और बुरी क्रिया करेंगे तो पाप बांधेंगे। अब उसमें ऐसा लिखा है, हिंसा के विकल्प से हिंसा करता है, झूठ के विकल्प से झूठ बोलता है, इसमें ऐसे ही लिखा था ना आपकी भाषा में। देखो ये त्रिंच वगैरह तो बाद में आए हैं, धर्मास्तिकाय वगैरह। देखो जिस प्रकार यह आत्मा क्रिया जिसका गर्भ है, ऐसे हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक करता है। मन वो क्रिया करने का विकल्प गर्भ में है जिसके, वो हिंसक करता है और अन्य अध्यवसानों से अन्य करता है। अब अन्य माने झूठ बोलता है, चोरी करता है, ऐसे अब ऐसे भी अपने को नारक करता है कि मैं नारकी हूँ, मैं मनुष्य हूँ। फिर जो जो अध्यवसान भाव करता है वो विकल्प का स्वरूप कुछ भी हो, ये बता करके हिंसक हिंसक का उदाहरण दे करके पाँचों पापों की बात करी। फिर चार मनुष्य आदि गति आसमान जाति पर्यायों में एकत्व की बात करी। फिर धर्मादि जो गेय पदार्थ हैं उनमें एकत्व की बात करी। लेकिन ये सब ये विकल्पों का जोर है। एक दफे तू आत्मानुभूति पूर्वक ये निर्णय कर कि मेरा पर में कुछ भी नहीं चलता है तो तुझे तत्काल कुछ भी दिखाई नहीं देगा अंतर। लेकिन धीरे धीरे वो विकल्प का जोर कम होता जाएगा और एक दिन बिल्कुल कम हो जाएगा। उसी का नाम है मुनि धर्म की सर्वोत्कृष्ट दशा। अभी तू चाहता है कि मेरा अभी छूट जाए, ये मुनिराज को भी सास लिखने का विकल्प आता है ना, धर्मोपदेश देने का विकल्प आता है ना। बोलो सच्चे मुनिराज जो छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत हैं उनको, तो ये नहीं छूट रहे हैं इसकी चिंता मत कर। तुम एक दफे निर्णय कर कि इनका कर्ता भोक्ता तू नहीं है, इनका स्वामी तू नहीं है, इसमें तेरा कुछ भी योगदान नहीं है, तो उसका वो जोर अंदर से खत्म हो जाना चाहिए। इसको मैं कभी कभी इस भाषा में बोलता हूँ, पहले आपने सुना होगा कि यहाँ अपन इतना जीव बैठे हैं और ये वो असली देशना लब्धि और तत्व की बात है। जिन जिन को सम्मा दर्शन की प्राप्ति हुई है वो इसी टाइप की देशना पा करके हुई है, तो हमें भी किसी को हो सकते हैं ना। यदि किसी को हो जाए यहीं बैठे बैठे ही, आप अंदर में चले जाएं, बड़े दादा तो समझेंगे कि आप सो गए हैं, तो जो डांट भी पिलाएंगे कि यहाँ आगे आते ही क्लास में बैठ के सुबह से सो गए, हो सकता है तुम अंदर चले गए हो। यानी सम्यक दर्शन हो जाए तो तुम्हारी बाहर की किसी क्रिया से ये व्यक्त नहीं होगा कि तुम सम्यक दर्शन तुम्हें हो गया है, ये कहना चाहता हूँ मैं। क्यों कि तुम सोते दिखोगे और फिर बाद में तुम्हारा विकल्प जाल भी वैसे ही चलता दिखेगा, क्योंकि वो तो वो कुमार के चक्के के समान उतनी तेजी से चल रहा होगा ना। अब उसके अंदर का जोर खत्म हुआ है, अब उसका धीरे धीरे मंदा पड़ेगा और पढ़ते पढ़ते वो छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका आ जाए तब तक भी तुम उस विकल्प जाल में दिखोगे अंदर से वो कितना ही कमजोर पड़ गया हो। आप विचार करो, किसी भी महापुरुष का जिन्हें भरत चक्रवर्ती आदि जैसे भी हुए, कि पहले कैसा भाव था,
और वो धीरे धीरे मंद पढ़ता पढ़ता एक दिन ऐसी पोजीशन में आ गया कि वो दीक्षा लेने को तैयार हो गए। तब दीक्षा लेने के पहले 10 मिनट पहले तो वो चक्रवर्ती थे ना, अपने वो घर का राजपाट जैसा संभाल रहे थे, कोई भी केस आता होगा तो उसी तरह डील करते होंगे कि नहीं। आप उनको देख के कैसे कह सकते हो कि ये आदमी की इतना परिणाम निर्मल हो गए हैं कि ये 10 मिनट में दीक्षा लेने वाला है, उसी शक्ल पे ऐसा कुछ नहीं आ जाएगा। वो क्रिया में भी आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, मेरे कहने का मतलब। लेकिन दोनों जब वो चक्रवर्ती का पद को जीत रहा था तब लड़ रहा था, और अभी छोड़ने के इतने समय के पहले इन दोनों में कुछ भी अंतर दिखाई नहीं देता है, तो अभी कैसे बाहर से पता लगेगा। एक और बात मत कहता हूं कि ये जो हम तुम जैसे कमजोर वृत्ति वाले लोग हैं ना, इनका तो दिख भी सकता है लेकिन उन महापुरुषों का नहीं दिखेगा। बोलो क्यों? क्यों कि 96,000 पत्नियां हैं तो वे अणुवृत्त तो ले नहीं सकते। कि अणुवृत्त लेवे तो बोलो कितनी पत्नियां रखे और कितने छोड़ दें। यदि नक्की कर लिया कि मुझे 32,000 रखनी है और 64,000 छोड़नी है, तो वे कैसे निर्णय करेंगे किनको छोड़ना है किनको रखना है? क्योंकि चेतन के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है, अचेतन परिग्रह के साथ तो समस्या नहीं है। क्यों? इसलिए कहते हैं कि या तो वे पूर्ण ब्रह्मचर्य लेके 96,000 को ही छोड़ दें और या एक को भी नहीं छोड़ें, ऐसी होती है पोजिशन। इसलिए कहते हैं ना, बड़े पुरुषों के अणुवृत्त नहीं होते, तीर्थंकरों के, चक्रवर्तियों के। अब पूजन में आपने पढ़ लिया है, भई जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अणुवृत्त महासुख कार, पढ़ लिया, देखो लिखा है तीर्थंकर। अरे अब क्या करें, पूजन वाले ने लिख दिया तो हम क्या करें, बहुत स्थूल कथन है। उनका जीवन अनुवृत्ति जैसा हो गया। महापुरुषों के तो कोई इतनी कमजोरी होती ही नहीं, लें तो वे महाव्रत लें ना, उन्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो प्रैक्टिस के लिए है अनुवृत्त, तो ख्याल में आए ना। और वो मैंने बताई ना, परिस्थिति ऐसी है, 6 खंड में से कितने खंड छोड़ दें। प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री पद या तो वो इस्तीफा दे सकता है और या पूरे देश का प्रधानमंत्री पद रह सकता है। ऐसा नहीं कि मैं उत्तर भारत का रहूँगा, दक्षिण भारत का मैं नहीं छोड़ा, आधा आधा प्रधानमंत्री छोड़ा दे, ऐसा नहीं है। कलेक्टर है तो मैं आधे जिले को छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपके समझ में आया होगा कि ये जो बड़े लोग हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता। आपने एक बात और कभी सुनी होगी कि महापुरुषों को सुआ सूतक नहीं लगता, पर अपने लिए 8 दिन का हो 10 दिन का हो ये रहता है सुआ सूतक, उन्हें नहीं लगता। तो उन्हें लगे कैसे? 96,000 पत्नियां, 60,000 बेटे, रोजाना एक आध को मरना है, दुखा दो चार पैदा होना है, तो वो तो 12 महीना सुआ सूतक में ही रहे। तुम पूरे जयपुर गांव का सुआ सूतक मानने लग जाओ, क्यों? तो तुम एक दिन भी सुआ सूतक के बिना रह पाओगे? अरे तुम रोजाना राजस्थान पत्रिका में देख के और तीये में जाने लग जाओ तो एक दिन सुबह प्रवचन नहीं सुन सकते यहाँ। क्यों? पूरा पेज भरा रहता है फोटो सहित, और कितने लोगों के आते हैं, उनसे 100 गुने लोग ऐसे हैं कि जिनके उसमें नाम आ ही नहीं सकते। क्यों? अब ऐसा उनका परिकर ऐसा है। और दूसरी बात ऐसी है, युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं, अब शाम को पता चला अभिमन्यु मर गए, फला ऐसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कि वहां पर द्रोणाचार्य मर गए,
अब सुबह से रात को बैठे हैं गुरु जी के वियोग में रोने के लिए कि कल सुबह से फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, किसको सेनापति बनाएं, कौन किस मोर्चे पे खड़ा होगा, फिर वो सुबह की मोर्चेबंदी करनी है कि रात को रोने बैठे। बोलो कैसा आदमी है ये काम की बात करता है क्यों है? आपको लगता क्या नहीं बेटा की लाश पड़ी है जो काम की बात करता है? कैसी बात करते हो? जितने बड़े लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मर जाए तो उनके बेटे सब देख के सुबह कैसे जाएंगे, कैसे रास्ता पे जाएंगे, क्या व्यवस्था करनी है, सारी व्यवस्था वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। और बेटे को तो राजा को, बेटे को राज तिलक हो जाता है तब घोषणा की जाती है कि राजा साहब मर गए। प्रधानमंत्री, नया प्रधानमंत्री को चुन लिया जाता है तब घोषणा की जाती है पुराना प्रधानमंत्री मर गया। अब मान लो उसके बेटे को ही चुन लिया गया है? तो सारी कहोगे अब तो शत्रु बहुत खड़े हो जाएंगे उसे, तो उस वक्त और अधिक सक्रिय सबसे पहले रहना है। तो इसलिए बड़े लोगों का सोच सुबह सूतक लगने का समय कहाँ है? आपके सुबह सूतक लगने को समय कहाँ चाहिए? समय इसलिए चाहिए कि वास्तव में इसका बहुत मनोवैज्ञानिक कारण है। ये सुआ सूतक को नहीं मानना चाहिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में वो कुछ है नहीं, जिन्हें लगता है उन्हें लगता ही है और जिन्हें नहीं लगता है उन्हें नहीं लगता। तुमको हम भी नहीं लगाएंगे ऐसा नहीं होता। बनियों को लगता है तो लगेगा, क्या मतलब? ये मतलब है कि हम 3 दिन मंदिर नहीं जाएंगे। अरे तुम मंदिर जाने की बात कर रहे हो कि नहीं जाएंगे कि जाएंगे? तुम्हारा माथा इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि तुम्हें 3 दिन तक मंदिर जाने की याद तक नहीं आएगी। अपने है ना कि एकदम नजदीक का मरा हो तो 7 दिन तक है ना लगता है सूतक, और दूसरी पीढ़ी का हो तो 6 दिन तक, तीसरी पीढ़ी का हो तो 5 दिन तक, चौथी पीढ़ी का हो तो 3 दिन तक, पांचवी पीढ़ी का हो तो 2 दिन तक, छठवीं पीढ़ी का हो तो 1 दिन तक, और 7वीं का हो तो स्नान मात्र से शुद्धि। ये क्यों किया? क्योंकि जितने जितने दूर का होगा उतना उतना वो डिस्टर्ब कम होगा। वो उसकी दैनिक चर्या है जो धर्म की, दुकान की, धंधे पानी की, वो सारी दिनचर्या वो डिस्टर्ब हो जाएगी जो एकदम नजदीक का होगा। तो अब मैंने राजाओं का बताया कि उनको कोई कुछ नहीं कहता कि भेजे भेजे अपने काम में लगे। अरे भाई तुम्हारी दुकान बंद हो सकती है लेकिन उनका युद्ध सुबह बंद नहीं हो सकता, क्या समझे ना? जिनके बड़े बड़े मील होते हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, तो वे सब थोड़ी बंद हो जाते हैं। इसे कहते बड़े लोगों को नहीं लगता, माने क्या बड़े लोगों को 10-20 लाख का नुकसान हो जाए तो उनके माथे वसल नहीं पड़ती है, हैं? और तुम्हें तो 100 रुपया में ऐसा नीचे नीचे हो जाता है पानी कि उस दिन तुमसे रोटी नहीं खपती है। अब तुम्हें कहते हमें क्यों लग रहा, उन्हें क्यों नहीं लग रहा, समझ में आए ना? इस दृष्टि से जो जिस भूमिका में है उसको उतना के योग वो लगता ही है। ये हम अमेरिका वगैरह जाते हैं तो वहाँ एक प्रश्न बहुत करते हैं कि ये महिलाएं 4 दिन वो होती हैं ना तो उनको पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए, बहुत तर्क देते हैं। पुराने जमाने में ऐसा था, आज के जमाने में तो ऐसा आ गया है, ऐसा हो गया, बहुत बहुत। अब क्या बताएं मामू जी बोलते हैं। मैं मालूम क्या कहता हूँ लास्ट में, क्यों तुम्हारे पाप का उदय है, तुम्हें 4 दिन की छुट्टी मिलती है घर में शांति से बैठने की, तो तुम अपने हाथ से उसे खत्म करने पे क्यों तुनी हो? करो ना आराम। क्या क्या समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे, एक गिलास पानी लाने की कोई नहीं कहेगा है, खाना बनाने की नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, तुमको फुल्ली आराम,
और तुम्हारे लिए सब बनी बनाई चीज, जो भी रोटी चाय पानी, तुम्हारी सास जो तुम्हें दिन रात ऑर्डर चलाती है, वो आके तुम्हारी सेवा में हाजिर रहेगी। इतनी बढ़िया सुविधा तुम्हें मिल रही चार दिन, तो तुम क्यों उसके विरुद्ध उतारू हो? बेचारे पुरुषों को तो ऐसी सुविधा है ही। नहीं सा, हमको बराबरी का अधिकार चाहिए, हमें पुलिस में भी काम करने, हमें सेना में भी चाहिए, हम तो कंधे से कंधे मिला के। अरे तो करना है मजदूरी तो करो, मरो। अरे यदि मान लो अभी तुमको कठोर काम करने के लिए छुट्टी है, घर वाले भी नहीं कहते हैं, गवर्नमेंट भी नहीं कहते, तुम्हें कोई नहीं कहता है कि तुम जाके सेना में काम कर। सेना में तो लड़ना ही पड़ेगा ना, पुलिस बनोगे तो पुलिस का जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा ना। अब उन कठोर नौकरियों से तुमको बचाया है किसी ने, परिवार ने, किसी ने, तो उनको तुम आज गालियां देती हो, जब लेके करती हो तब फिर बाद में मालूम पड़ता है, कहते हम काम भी करें आठ घंटा हो, करें रोटी भी बनाए, रोटी कौन बना जाएगा फिर? कि तुम बनाओगे, तुम्हारा पुरुष बनाए बस, और क्या गणपति बनाए है? वो तो कोई वो करना तो पड़ेगा ही, माने अपने माथे पे और अपने आप ही लिया है ना, तो वो तो शास्त्रों में सहज वृत्ति की बात है। हमारे हाथ में है क्या कि हम आपको छूट दे दें कि आप ऐसा नहीं करोगे, करो, ख्याल में आई ना? वो तुम्हारे तर्क जो हैं सारे हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, पहले ऐसा होता था, आज तो ऐसी सुविधा है, आज ऐसी सुविधा होगी, हमें वो सब बातें ही नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं कि तुम्हारा चित्त डिस्टर्ब होता है और उसको नॉर्मल करने के लिए तुम्हें समय चाहिए, ये हमारे सूतक विधान का नियम है। तो ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अनादि काल का जो अभ्यास है वो श्रद्धा सही हो जाने के बाद भी बहुत दिन तक दिखाई देगा, यानी यदि अभी हमें किसी को सम्यक दर्शन हो गया यहीं, तो मैं इस भाषा में बोलता हूँ कि माथे पे दो सींग नहीं निकलेंगे, कि जैसे देख के लोग समझ आ गए ये कुछ कुछ गड़बड़ हो गई। तुम वैसे के वैसे नॉर्मल रहोगे, जैसी तुम्हारी पहले की प्रवृत्ति थी वैसी ही वृत्ति रहेगी, वैसी ही प्रवृत्ति दिखेगी, तो बदलेगा क्या? वो अंदर का जोर, जो उसी काम में अंदर का जोर था ना, वो जोर बदलेगा और उसके जोर से निरंतर वो क्षीण होता जाएगा। जैसे कि वृक्ष की जड़ काट दो, वृक्ष की जड़ काट दो ना, तो वो धीरे धीरे उसी तत्काल कोई वृक्ष नहीं सूख जाता है, वो तो वैसे ही हरा भरा दिखता है, फल फूल भी लगे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। ये मालूम कि बहुत से जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, अब उनको ये इस पेड़ को काटना है, गवर्नमेंट का बहुत प्रतिबंध है, पकड़ी जाए तो जेल जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा जुर्माना होगा, तो वो उसमें थोड़ा सा छेद करके, कोई बाजार से ऐसी चीज़ आती है जहर महर, अपन उसका नाम भी नहीं जानते हैं, और वो उसमें डाल देते हैं, बस ख़त्म। और वो कहते हैं 15 दिन में, महीना भर में, 2 महीने में अपने आप धीरे धीरे सूख जाएगा। अब सूख जाएगा तो फिर उसे काटने को कोई नहीं रोकता है, एक दिन तो काटेंगे तो अब गवर्नमेंट चिल्लाएगी, कोई चिल्लाएगा, तो रोजीना एक छोटी छोटी डाली काट काट के ले जाते हैं, आराम से अपना चूल्हा जलाते हैं, जो भी करना है करते हैं, ऐसा अपने वर्षों का इंतजाम हो जाता है, घर में रखने की जगह भी नहीं है, वो वहीं खड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे काटते रहते हैं। वो जो उसको जिस दिन उसने लगाया है तो उसी दिन से नहीं सूखता दिखाई देता है, तो ऐसा ही इस सहज वृत्ति से होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें इन बातों पे कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अंदर में जो एकत्वमत्व का वो जोर है उसको हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय करके उसकी धुन ऐसी लगाओ कि वो प्रायोग लब्धि बन के कर्ण लब्धि बन जाए और वो जाकर के अंत में सम्यक दर्शन हो जाए, तो वो मान्यता टूट जाएगी। बस ये मार्ग है छोटा सा, अब इस पर तो कोई ध्यान देता नहीं है। वो किसी ने कई क्रिया जड़ रहित गया तो शुष्क ज्ञान मा के माने मार्ग मोक्ष का
हैं, उनको देख देख कर मुझे करुणा बुद्धि आती है, करुणा आवे जोई। क्रिया जड़ हो गया मैंने क्या, मैं ये करूं ये करूं ये करूं, पर इसी करने करने में मूर्ख बन गया है, बिल्कुल उसमें उसी में लग गया है, जबकि उसमें रंज मात्र इसका किए कुछ होता नहीं है, उसका नाम है क्रिया जड़। धर्म करना होगा तो क्या क्या करना होगा, तो सुबह से शाम तक अब भी हाल वो काम बता देंगे, सुबह उठो नहाओ धो, उसका नहाना धोना भी धर्म है, समझे ना, फिर शुद्ध वस्त्र पहनो, फिर मंदिर में जाओ, फिर भगवान का प्रक्षाल करो, फिर पूजा करो, फिर बड़ा शाम से बराबर फिर प्रचन में ऐसे जा करके पूरा सुबह से शाम तक की दिनचर्या बन जाएगी और वो क्रिया संपन्न होती जा रही सही, तो वो लगाएगा मैं धर्मात्मा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं जिस दिन मुझे भगवान के पूजन करने का मौका नहीं मिलता है, उस दिन लगता है जैसे आज कुछ भूखा रह गया, कुछ कमी रह गई, ऐसा कहते हैं ना कुछ लोग। अब ये लोग क्रिया जड़, अब शुष्क ज्ञान में कोई कहते क्या है, क्रिया में क्या रखा है, ये बस अपना भगवान आत्मा बस, उसमें ऐसे करता उस जाता है नहीं, ध्यान कुछ नहीं, बस उन विकल्पों में उलझा रहता है। मैंने एक दिन कहा था यहाँ कि वो अपना नया क्रिया कांड विकसित कर लेता है, वो उसकी अपनी अलग प्रक्रिया हो जाती है, उसको भी आदत हो जाती है, सुबह से उठकर वो उस तरह की प्रक्रिया को संपन्न करता है और अपने को धर्मात्मा, वो उसमें संत हो जा, शुष्क ज्ञान में कोई शुष्क ज्ञान में संतुष्ट हो जाता है, वो अब एक नए टाइप के क्रियाकांड में लग जाता है। वो श्रीमद कहते हैं कि इन दोनों को वे मोक्ष का मार्ग मानते हैं, उनको देखकर मुझे बहुत दया आती है। अब आपको लगता होगा कि सुबह से शाम से पूजा पाठ कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, इन्हें देख के इन्हें पर दया आ रही, खुद करते नहीं हैं कुछ, और जो दिन रात स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे पढ़ा रहे हैं, इन्हें इन पर दया आती है और कुछ कुछ करते नहीं। वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम भी करते हैं, हम तुमसे मत कह, ये नहीं कहते कि तुम ये छोड़ दो, ना स्वाध्याय करने वालों से स्वाध्याय की बात करते हैं, ना पूजा पाठ करने वाले को पूजा पाठ छोड़ने की बात करते हैं। अरे ज्ञानियों के जीवन में भी ये सब चीज़ें होंगी, पूजा पाठ भी होगा, स्वाध्याय भी होगा, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि माने मार्ग मोक्ष का, इसको इन क्रियाओं को वो मोक्ष मार्ग मान रहा है, ये मान्यता देखकर मुझे दया आती है। ये क्रिया मिली तो क्या क्रिया रह गए, तो कुछ ना कुछ तो हो गई ना। मैं तो ऐसा भी कहता हूँ कि सुबह से जाकर के भगवान का प्रक्षाल नहीं करेगा ना, तो अपने महिलाएं तो भगवान का प्रक्षाल करती नहीं है, तो उन्हें मालूम क्या सजा मिलती है उसकी, उन्हें अपने बच्चों को नहलाना पड़ता है। यदि तू नहीं करेगा तो घर में पत्नी कहेगी कि मुन्नी को मैं नहाती हूँ, जब तक पप्पू को तुम नहा दो, तो उनका अभिषेक करना पड़ेगा। तू कोई क्रियाकांड से बचने वाला नहीं है, बचने की जरूरत भी नहीं है, बचने की मैं कह भी नहीं रहा हूँ, लेकिन एक फायदा होगा कि जब भगवान को स्नान कराता है तू, तो समझता है मैंने धर्म किया, और अपने बच्चों को कराएगा तो कम से कम तुम धर्म नहीं मानेगा, एक फायदा है। आजकल उसमें भी हो गया, बहुत से लोग ऐसे कहने लगे मैं तो अपने इसको ही धर्म, कर्म ही पूजा है, कर्म माने अपना जो कर्तव्य पूरा करो, बैंक वाला बैंक का काम करे, खजांची खजांची का काम करे, समझे ना, तो बस वो कर्तव्य ही उसकी पूजा है, हमने तो ईमानदारी से काम किया ना, बस पूरी जिंदगी भर हमारी तो यही पूजा थी, बोलते क्या नहीं बोलते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ वो उसमें धर्म मानने लग गया। अरे भाई ड्यूटी पूरी करना, जो काम करो वो तो अच्छी बात है, लेकिन बस वो धर्म नहीं है, हम तो सिर्फ इतनी सी बात कह दें, उसमें लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, क्या लिखा, माने मार्ग मोक्ष का करुणा उपजे जोई,
वो मोक्ष का मार्ग मानता है ये देखकर मुझे करुणा होती उत्पन्न होती है। अब इतनी वह बात कहें तो साहब जी पूजा पाठ के विरोधी है, ये वृद्ध उपवास के विरोधी है, अभी अब स्वाध्याय के विरोधी भी हो गए, अब प्रयोजन करने के भी विरोधी हो गए, अब किताबें लिखने के भी सबके विरोधी हो गए, अब क्या कहें। अरे हम किसी के विरोधी नहीं हैं, तेरी जो मिथ्या मान्यता है वो अनंत संसार का कारण है और उसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं, उस पर हमको करुणा आ रही है। देखो अब यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है कि भई मैं मनुष्य हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं, ऐसा तो मान्यता हमने देखी है, लेकिन मैं धर्म द्रव्य हूं, मैं अधर्म द्रव्य हूं, मैं आकाश हूं, मैं काल हूं, ऐसी मान्यता वाले तो हमें कोई दिखाई आते दिए नहीं, तो इसमें ये बात क्यों लिखी। तो जयसेनाचार्य ने इसका जवाब दिया है, आपके निकालो पेज नंबर 33। दूसरा पैरा, यहाँ एक जिज्ञासा सहज ही होती है कि विभाव भावों में एकत्व महत्व की बात कर्तृत्व भोक्ति की बात तो संभव लगती है, परंतु धर्मादि गेय पदार्थों में कौन एकत्व महत्व करता है, कौन उनका कर्ता भोक्ता बनता है ना। प्रश्न समझ में आ गया ना। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आचार्य जयसेन किंचे कहकर कहते हैं कि जिस प्रकार घटाकार परिणत ज्ञान को उपचार से घट कहा जाता है, उसी प्रकार धर्मादि द्रव्यों के आकार रूप परिणमित ज्ञान को भी उपचार से धर्मादि द्रव्य कहा जाता है। अरे इधर क्या है, पहली बात तो समझ लो किंचे क्या है, न्याय की भाषा के कुछ स्पेशल शब्द हैं, जैसे कि लोक में होते हैं डॉक्टरों की भाषा के अलग होते हैं, अदालत की भाषा के अलग शब्द होते हैं, ऐसे न्याय की भाषा जैन दर्शन में जो न्याय है उसके कुछ शब्द हैं, जैसे ननु, कि शंका करना हो प्रश्न उठाना हो तो ननु लिख देंगे, उसी बात को खुलासा करना हो तो तथा ही लिख देंगे। अब यदि एक दूसरी पॉइंट दूसरी बात करनी हो तो किंचे कर देंगे, टोडरमल जी का बहुरी अरे बहुरी कोई किंचे है, किंचे माने बहुरी, पर आजकल की भाषा में सब हट गए, पर पैरा चेंज कर दिया तो वो काम किंचे का काम पैरा चेंज करने से हो जाता है। तो किंचे कहा इसका मतलब एक कोई नई बात वो कह रहे हैं उसी संदर्भ में, संदर्भ बदल के नहीं, जो चर्चा चल रही है उसी संदर्भ में वो नई बात कहते हैं। कहाँ पढ़ रहे थे अपन, किंचे पढ़ रहे थे ना, हाँ, जिज्ञासा शांत करने के लिए आचार्य जयसेन किंचे कहकर कहते हैं कि जिस प्रकार घटाकार परिणत ज्ञान को भी घट कहा जाता है। अब ये समझो, घड़े तीन प्रकार के होते हैं, तुम न्याय शास्त्र पढ़ते हो तुम जानते हो ना थोड़ा बहुत, एक तो वो जो मिट्टी का सामने बना है घड़ा घटाकार, एक तो वो घट उसको बोलते हैं अर्थ घट, एक हमारे ज्ञान ने उसको जाना तो हमारा ज्ञान घटाकार रूप परिणमित हुआ, ज्ञान में एक घड़ा बना तो उसे दूसरा घट कहते हैं, उसका नाम है अर्थ घट, ज्ञान घट, एक हुआ अर्थ घट और दूसरा हुआ ज्ञान घट, और एक तीसरा और है कौन सा बोलो, हाँ देखो ये सब जान, शब्द घट मुंह से बोलो ना घ और ट, घ ट, तो इसे भी तो घट कहते हैं ना, मैं यहाँ लिख दूं घट और मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप क्या कहेंगे, घट बोलेंगे ना, इसे बोलते हैं शब्द घट।
अथवा मैंने मुंह से बोला घट, तो ऐसे बोलते हैं शब्द घट, तीन घट घड़े तीन हो गए। तो वो कहते जैसे उन्होंने वो जवाब दिया ना, जिस प्रकार घटाकार परिणित ज्ञान को उपचार से घट कहा जाता है, उसी प्रकार धर्मादि द्रव्यों के आकार रूप परिणमित ज्ञान को उपचार से धर्मादि कहा जाता है। हमने धर्म द्रव्य को जाना तो वो हमारे दिमाग में जो ज्ञान बना, ज्ञानाकार बना ना, वो धर्म, तो वो और उसका कर्ता भी अपने को मानता है, तो उसका नाम धर्म द्रव्य का कर्ता हो गया। और तीन घड़ों में से कोई घड़े को माने अपना कर्ता, उतना शब्द घट को, मैंने शब्द बोला ना घट, तो मैंने घट बनाया ना, कुमारी थोड़ी बनाता है, मैंने भी अभी यहाँ घट बना दिया। और एक वो चित्रकार आता है, आप कहोगे कुमारी घड़ा बनाता है, अभी बना दूँ मैं यहीं बिना चका के, और एक कागज लेगा उठा के, एक पेंसिल लेगा फटाफट, नहीं वही घड़ा बन गया। आप भी कहोगे ना ये क्या है कि घड़ा है, वो कहते मैं भी घड़ा बनाता हूँ, कौन कहता है मैं घड़ा नहीं बना सकता है? देखो इस अपेक्षा धर्म द्रव्य को जानने से के विकल्प वाली ज्ञान पर्याय भी धर्म द्रव्य है, समझे ना, वो भी एक धर्म द्रव्य है, और यह अज्ञानी आत्मा उस ज्ञान पर्याय में एकत्व मत स्थापित करता है ही है, उनका कर्ता भोक्ता बनता ही है, यही धर्म द्रव्य में एकत्व ममत्व है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, इसी प्रकार अधर्मादि द्रव्यों के बारे में समझ लेना चाहिए। मैंने पढ़ के क्यों सुनाया उत्तम, क्यों कि मैं कह देता कि पढ़ लेना तो तुम गारंटी से नहीं पढ़ते, और इतनी महत्वपूर्ण बात है कि तुमको हम यहाँ पढ़ के बताना हमारी मजबूरी है, नहीं तो ये काम वैसे भी चल सकता है, ख्याल नहीं ना, कि वो तो ये कहना चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी गेय पदार्थ में जो उसको वो जानेगा तो ज्ञान में उसका आकार बनेगा, वो उसमें गेय का यद्यपि कुछ नहीं है, वो ज्ञान की ही परिणति है, फिर भी जिसका आकार बना उसको उनने गेय रूप घट मान लिया, घट या जो भी पदार्थ देखा उनने, और उसमें अपनापन किया, तो जैसे तुमने धर्म धर्म में अपनापन किया हो, बस खत्म, तुम्हारे ज्ञान में घड़ा बना और तुमने उसे अपना माना तो तुम्हारी घट में एकत्व बुद्धि हो गई। ये फिर स्वामी जी का है, ये तो पढ़ लेना, ये तो पढ़ लोगे ना। देखा फिर नंबर 36, इस प्रकार गाथा में यही कहा गया है कि अज्ञानी जीव आत्मा, अज्ञानी आत्मा कर्मोदय से प्राप्त होने वाली नर नरकादि पर्यायों, अनेक प्रकार के पुण्य पाप के परिणामों तथा अपने में अपने जानने में आने वाले धर्म अधर्म आकाश काल एवं पुद्गल रूप अजीव द्रव्यों तथा अपने आत्मा से भिन्न अन्य जीवों में अपनापन करता है, इन सभी में एकत्वमत स्थापित करता है, स्वयं को उनका कर्ता भोक्ता मानता है। देखो ये पांच लाइनों में ये पूरे तीन पेज का सार समेट दिया, यदि ये बात आप बिल्कुल कितनी सरल भाषा में है, समझे ना, अधिक क्या कहें। देखो जगत में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो इसके ज्ञान का गेय बनता हो और यह उसे अपना ना मानता हो, माने एक भी पदार्थ को नहीं छोड़ता। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अरे भाई डाकू भी एक दो घर तो छोड़ता है, अपना घर, अपनी बहन का घर, क्यों कहते हैं ना, कहते हैं, लेकिन तू तो ऐसा दुष्ट है कि अपने एक घर भी नहीं छोड़ता है ऐसा आदमी। दादा के एक मित्र थे, कहाँ मैं नहीं बताऊंगा, तो वो दुकान पे जो किसान से डेढ़ा दूना पैसा लेते थे वो दादा से भी डेढ़ा दूना ही लेते थे,
वो बहुत घनिष्ठ मित्र, ये कहते थे देखो मैं पक्षपात नहीं करता वे तो अपने बाप को भी देते हैं तो भी पक्षपात नहीं करता के बहाने क्यों, अरे भाई इसमें पक्षपात की बात क्या है, तुम अपने माँ बाप को, भाई बहन को, गुरु को, मित्र को देख, कौन तू फ्री में ही दे तो कौन तेरे को ऑब्जेक्शन करता है, बोलो जब मैं शुरू शुरू में यहाँ आया था ना, और जब तो कंप्यूटर वम्प्यूटर हुए नहीं थे तो सब चीज़ें अपने हाथ से ही लिखनी पड़ती थी, और फिर मुझे कोई प्रेस में जाना पड़ता था तो वहाँ वो कंपोजिंग भी हाथ से होती थी और उसका प्रूफ रीडिंग करना पड़ता था, तो जयपुर प्रिंटर्स में मैं जाता था तो वे मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र ही थे, मान महीना में 15 दिन मैं उनके घर खाना खाता था और 15 दिन वो मेरे घर खाना खाते थे बिना सूचना के, घर वालों को पहले से खबर नहीं करते थे, बस चलो पंडित जी प्रेस में बैठे थे चले गए वहाँ खा लिया, यहाँ वो आए तो अपने यहाँ खा लिया, ऐसा चलता था। तो और वो अपने पैसा भी आधे लेते थे, जितना बाजार से लेते थे उसी काम के वो अपने स्मारक से आधे लेते थे उसी, तो अभी बहुत महंगा होता था, काफ़ी महंगे थे वो। तो एकदम मेरे सामने किसी श्वेतांबर ने, इनका काम चल रहा था आचार्य तुलसी का, तो उनने ये कहा कि साहब ये क्या बात है, डॉक्टर साहब आते हैं तो हम हमारा काम बंद हो जाता है, इनका काम शुरू हो जाता है, इनके पैसे भी आप बहुत कम लेते हो, वो तो पता तो लग जाता ना बिल मिल में। बहुत झुंझला के मेरे ही सामने उनने ये कहा तो एकदम आंख बदल के सोहनलाल जी ने कहा अब कहा सो कहा, अब द्वारा ये बात मुँह पर नहीं लाना, आपको जहाँ काम कराना हो वहाँ कराओ, जिस भाव कराना हो उस भाव कराओ, यहाँ तो इसी भाव आपके यहाँ काम होगा और डॉक्टर साहब आएंगे तो उनका काम शुरू होगा आपका काम बंद होगा, कराना है कि नहीं, नहीं तो पधारो, लेकिन द्वारा ये मत बोलना। क्यों साहब, मेरे गुरु हैं, ये प्रेस उनका है मेरा थोड़ी है, वे आ जाएंगे फिर किसी का नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कह सकते थे दादा, तुम्हारे बहुत बड़े दोस्त थे, ये कह सकते थे ना, कोई यदि उनसे कहता कि तुम पक्षपात क्यों कर रहे हो हैं? ये क्या सवाल है, मैं तो साहब इनसे लेता ही नहीं, ये तो मानते नहीं जबरदस्ती, इसलिए मैंने मूल कीमत ले ली है, ऐसा नहीं कह सकते थे, तो तुमको कौन क्या करता बोलो, बुरा मानता, लेकिन नहीं मन में ही पाप है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, सगे बाप को भी नहीं, ख्याल में आई ना, और उसके लिए बहुत बढ़िया सिद्धांत का जामा पहनाते हैं, क्या देखो अपनी बात चल रही, कहाँ पढ़ रहे थे ना, अधिक क्या कहें, जगत में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो इसके ज्ञान का गेय बनता हो और उसे अपना ना मानता हो, उसमें ममत्व स्थापित ना करता हो, उनका कर्ता भोक्ता ना बनता हो, ये ऐसे ही महान है उस जैसा, कोई को नहीं छोड़ता है ना, अज्ञानियों के पर में एकत्व बुद्धि पूर्वक होने वाले ये भाव ही राग देश परिणाम ही अद्वसान भाव कहलाते हैं, और यही अद्वसान बंद के मूल कारण हैं। मेरे ख्याल से है समय, ये छंद पढ़ सकते हैं अपन, है पढ़ो, क्या कह रहे देखो, तो यद्यपि चेतन
विश्व से सदा भिन्न ही है। विश्व माने छह द्रव्य, सारी दुनिया में जितने पदार्थ हैं वे सब बिल्कुल हरेक से भिन्न ही है, ख्याल में है ना। फिर भी निज को करे विश्वमय जिसके का, फिर भी अपने को विश्वमय कहता है, इसमें सब मेरे मैं सबका हूँ। जिसके कारण माने जिस मोह के कारण, जिस मिथ्यात्व के कारण मोह मूल वह अधबसाए, वो अधबसान मोह, मोह है मूल जिसका ही, जिसके ना हो, जिसके ऐसा अधबसान भाव ना हो, ऐसी मान्यता ना हो, वे मुनिवर ही दृष्टिवंत हैं और परम प्रतापी हैं। बोलो मुनि धर्म भी ये है, ये नहीं है तो वो सारी क्रिया मुनि धर्म नहीं है। बस अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जिससे जो बात चलती है ना कभी कभी इसके सच्चे झूठे, तो इसकी तो कोई बातें नहीं करता कि साहब बहु बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल नहीं है, किसी से कुछ नहीं कहते हैं, किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, अपने पास बिल्कुल परिग्रह नहीं रखा है, ये नहीं किया है ना, उनके पास मोटर है ना गाड़ी है ना मोबाइल है, कि बगल में चार मोबाइल लेके बैठे हैं उनके चेले चांटे, ये क्या है, ये तो उनके थोड़ी है, वे थोड़ी बात करते हैं, वे तो पूछ के महाराज से पूछ लेते हैं, महाराज जो जवाब देते हैं वो जवाब दे देते हैं। प्रधानमंत्री भी ऐसे ही करता है, प्रधानमंत्री खुद थोड़ी कोई मोबाइल रखता है, वो उठाता है, उसका सेक्रेटरी उठाता है, वो ही बात करता है, और बहुत ही नीरस कोई बात हो और तो पूछ लेता है, वो कह साहब आपसे बहुत बात करने का आग्रह कर रहे हैं, वे कहें अच्छा लाओ दे दो तो देता है, नहीं तो नहीं देता है, 90-99% वही निपटाता है। तो समझ लो वे बहुत बड़े आदमी हो गए, क्यों वो कहते हैं ये कोई नहीं कहता कि ऐसा जिसकी दृष्टि बनी है मुनिराजों के लिए भी यही धर्म है, इसकी कोई बात नहीं करता। मैं आपको क्या बताऊं, जब भी मैं जाता हूं मैं ना मिलता हूं ना, और मुझे मौका मिलता है तब मैं सबको मैं ये बात बताने की कोशिश करता हूं, सब हाँ हूं करके फटाफट निपट के दूसरी बात करने लगते हैं, कोई रस नहीं लेता है, क्या बताएं है? ये मूल बात को हाँ हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है, फिर उसका क्या हुआ उसका क्या हुआ उसका क्या हुआ उसका क्या हुआ, अब हम सब छाबड़ा जी से लेकर सब, ये नहीं है उद्दिष्टार नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब बातें बाहर की बातें तो सब करते हैं, क्यों उन्हीं में से अच्छे बुरे छांटते रहते हैं, लेकिन ये मुद्दे की बात है क्या नहीं एक कोई नहीं कहता। जब मैं 5-7 वर्ष का 8 वर्ष का रहा हूँगा तब एक भैया लाल जी बहन सागर थे, विद्वान थे, वो भजनोपदेशक कहलाते थे, तो बहुत अच्छे अच्छे भजन गा करके जनता का मनोरंजन करते थे, वो अच्छे विद्वानों में माने जाते थे। दो आदमी आते थे, एक भजनोपदेशक एक तत्वोपदेशक, दयाचंद जी तत्वोपदेशक, वे एक व्याख्यान देते थे तत्व का और फिर वो कहानी किस्सा सुनाते थे भजनोपदेशक, दोनों ऐसा करते थे। वो संघ में ये मथुरा संघ था ना पहले दिगंबर जैन संघ, उसकी तरफ से आते थे, तो उनका मैंने सुना था, वो आपको याद होगी वो पंक्तियाँ, किसी ने पूछा कि उनका व्यापार कैसा है, मैं अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गए ना, तो किसी ने पूछा कि उनका व्यापार कैसा है, किसी ने पूछा कि उनका परिवार कैसा है, किसी ने पूछा कि उनका व्यवहार कैसा है, पर एक किसी ने नहीं पूछा कि उन्हें धर्म से प्यार कितना है। और क्या माने जब लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं तो ये सब बातें पूछते हैं, और धर्म से क्या है उसके जीवन में ये कोई नहीं पूछता, और वे बतावें तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक,
यदि कोई बतावे कि नहीं बच्चा रात्रि को नहीं खाता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, स्वाध्याय कर, हाँ ठीक है ठीक 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 हाँ ठीक है, ऐसे उड़ाते हैं जैसे कोई है। पर अब आजकल तो डिस्क्वालिटी हो गया है, लड़की का भी और लड़के का भी, ऐसा है तो वो कैसे चलेगा, वो सबके साथ उठेगा बैठेगा कैसे, बाहर हुआ अब वो उठने बैठने लायक नहीं रहा क्यों किसी के घर आने जाने लायक नहीं रहा, ये पोजीशन हो गई क्या नहीं हो गई। तो उस वक्त इस भाषा में कहते थे, अब मैं आज कहता हूँ ये सब बातें कहूँ कि किसी ने ये मैं पूछा कि भगवान आत्मा की ख्याल कैसा है, ये उसे कुछ पता है कि नहीं है, तो मुनि मुनियों से और श्रावक से कोई नहीं पूछता ही कि मुझे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की खबर है कि नहीं है। मैंने अपने गुरु से पूछा था, मक्खनलाल जी थे ना मेरे गुरु, तो वे उनने मेरे से, बहुत समय हो गया फिर कभी बताऊंगा, लेकिन मैंने उनसे कहा था ये बात, फिर कभी बताऊंगा, अभी समय बहुत हो गया